तो सबको राम राम सीताराम। और अभी भी बारिश का सिलसिला आसपास के गांव में चालू ही है, और नुकसान भी जहां भी अभी बारिश है वहां पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मूंगफली निकालने का टाइम आ गया है और कई मूंगफलियां खेतों में निकाल भी ली है। तो आज इसने लोकेशन चेंज किया है, इधर जामनगर जामखंभाड़िया साइड था, तो वहाँ से पोरबंदर जिले में एंट्री की, कुतियाना राणावाव तक लगता है कि है, या राणावाव से इस तरफ भी हो सकता है। और अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बारिश की, क्योंकि पानी बहुत है। अगर जो बाद में मूंगफलियाँ लगाई थी उसको पानी दे देंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है वो जो पक गई है उसमें नुकसान बहुत ही ज़्यादा किसानों को हो रहा है, चारे का भी और दाने का भी, दोनों का। और हमें ये चारे की भी कीमत जितनी दाने की होती है उतनी ही होती है, क्योंकि पशुओं को पूरा साल यही चारा खाते हैं। अभी नदी में भी पानी चालू है, बांध के ऊपर से आ रहा है, रांदल माता जी के मंदिर पे जो है बांध, वहाँ से। और अभी हमारे ऊपर भी आने की सोच रहा है शायद, लेकिन चाहिए नहीं जरा सा भी। अभी कोई कोई बूंदे गिर रही है बारिश की, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे जटायु है, और यहाँ टाइसन। और वहाँ पे तोरी है, खुली ही है, वो भी खा रही है हरा घास। और मुझे अभी एक क्राउन मूंगफली में छाछ और गौमूत्र का लगाना है, यहाँ पे छाछ का स्टॉक है, थोड़ा सा उधर भी रखा है, दोनों तरफ है। तो यहाँ से अभी एक बैरल को ट्रैक्टर में चढ़ा के वहाँ पे ले जाएंगे। हवा ने अपनी दिशा बदली है, अभी देखते हैं, अभी आधे घंटे में नतीजा आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, और ये नवरात्रि के बाद जो बारिश आती है उसकी बूंदें ठंडी बहुत ही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ में से डायरेक्ट पानी हमारे ऊपर गिर रहा हो, ठंड बहुत ही लगती है। और अभी तोरी यहाँ पे मूंगफली खा रही है, तो अभी यहाँ पर जटायु सो रहा है झूले पर। एक महीने का होने वाला है, लेकिन फिर भी जब एक दो दिन का था तब से यहीं पर ही सो रहा है, तो इसको इसकी आदत है। देखो कैसे सो गया। अभी टाइसन का इसका कलर सेम है। क्या बोलते हैं ऊपर?
ये पूनम आज मूंगफली का देखने गई है, कैसी है? हाल 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 पूनम हाल 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 वो वहाँ पे देखने गई है, उसकी माँ की समाधि है कृष्णा की वहाँ। हाँ करना तो लगते तोने। और अब इसने देख लिया कि नहीं, मूंगफली सब सही है, तो अपनी जगह की ओर चल गई। लेकिन अभी भी उसको भागने का इरादा तो है ही। गोपली का और पूनम का जब भी मूड रहता है कि आज भागना है, तो वो भाग के ही रहती है, कुछ भी कर ले आप। लेकिन वो एक दो राउंड उसको जब भी लगाने हैं तब लगाती ही है, और हम भी उसे छोड़ देते हैं कि जाओ खेलो। ये कृष्णा, रिद्धि, राधा, वो सब दौड़ने वालों में से नहीं। राधा तो कभी कभी खुली छोड़ देते हैं उसको, तो वो दौड़ लेती है, लेकिन हाथ में से छुड़ा के नहीं जाती। और अभी ये 2-3 दिन में नया मेहमान आएगा, ये बच्चा देगी कृष्णा। इसकी पूंछ बेचारी की कट गई, तो उसका जो रूप था वो आधा हो गया। ये दौड़ती नहीं है, लेकिन कभी भी धीरे नहीं चलती, वो डायरेक्ट फोर्थ गियर में ही चलती है। रिद्धि बिल्कुल शांत है, दौड़ना वो कुछ भी इसमें नहीं है, वो पहले से ही छोटी थी तब से ही शांत ही है। तो जब तक गाय पानी पीती है तब तक मोटर शुरू ही रहती है, कई सालों से यही रिवाज है। अभी वेगड़ नहीं रही, वरना वेगड़ को तो कभी लाइट नहीं रहती थी तो घर से भर के उसको पानी पिलाना पड़ता था, क्योंकि वो किसी का भी झूठा पानी नहीं पीती थी। वेगड़ मोटर चालू रहती थी तो ही पानी पीती थी, जहाँ पे मोटर का पानी गिरता है वहीं से ही डायरेक्ट पीती थी। वेगड़ एक अलग ही जीव था पूरा। राधा, ए राधा, राधा हाल जाओ, हाँ हाल जाओ, इधर हाल तोड़मो, तारे हाल तोड़मो, इधर और ये होली के पहले पहले जब गाय दूध देना बंद कर देगी, तब ये किसी को बुल में चाहिए तो बोलना, क्योंकि मिल्किंग में भी इसकी माँ अच्छी है और नस्ल में भी अच्छी है,
और इसका बाप है 57 नंबर 10057 SAG का साग का। और ये भी बहुत ही अच्छा और शांत है। बछड़े वरना ये जो मेल होते हैं वो ज़्यादा हमें तकलीफ देते हैं, तकलीफ मतलब कि भागते हैं, मारते हैं, कूदते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही शांत है। आओ आओ, तो ये जटायु को कहीं पे भी हम सुला देते हैं तो वो सोता ही रहता है वहाँ पे। वो कोई बहुत ही अच्छा जीव आया है हमारे घर पर, वरना इस तरह से सो नहीं जाते। और ये हमारे साथ ही रहता भी है ज़्यादा देर तक, उसकी माँ के पास तो कम ही रहता है। तो जो हम करते हैं वो उसे भी पसंद है तो वो सो जाता है, कहीं पे भी सुलाते हैं तो वो सो जाता है।